रे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। अभी इस वक्त तो कोई नहीं अम्मी भाई, लेकिन किसी ने पत्थर मार के शीशा तोड़। यहाँ तो कोई भी नहीं है, कहीं आपको कोई गलत फहमी तो? आप कमेटी का हिस्सा है, ठीक है? आप ऐसा करिए, आप जाके बात करें कल उनसे। आप लोगों के हेड है ना, वो खाए थे उस दिन कोई, आप उनसे बात करें प्लीज। आप उनसे बात करके देखिए। आप देखो बेबी, हम लोग इज्जतदार हैं और तुम्हारा तो पता नहीं, बिन सोचे समझे मेरे बेटे को लेके बाहर निकल गई। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाऊँ, दिखता नहीं कोई रास्ता। मुझे पता है आप मुझसे खफा हैं। मैं अम्मी की हरकत की वजह से आपसे माजरत करना चाहता हूं। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे उनको जगा देना चाहिए। पता नहीं हम दोनों को साथ देके वो क्या सोच रहे हैं। हारून, गलती आपकी नहीं, गलती मेरी। मुझे इतनी रात को आप लोगों को तंग नहीं करना चाहिए, और आपकी अम्मी ने कुछ ऐसी तंग बातें कही मेरे और मेरे खानदान के बारे में जो मैं कभी भूल नहीं सकती। बेहतर है कि आप इब्राहिम और मेरे घर से दूर रहें। शुक्रिया। जितनी मजबूर लगती है उतनी है ना। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम किरण। अस्सलाम वालेकुम। बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, कब आए आप लोग? आई होप तुम्हें हमारा ना बुरा ना लगा। ऐसे क्यों कह रहे हो सर? लोगों का ना बुरा कैसे लग सकता है? अपना कहने और समझने में बहुत फर्क होता है मीरा। क्या मतलब है तुम्हारा, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मीरा, कल रात को इतना कुछ हो गया और तुमने हमें बताया भी नहीं। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अभी वो बेचारी थकी हारी आई है, दो मिनट उसे सांस तो लेने दो। यार तुम क्यों परेशान हो रही हो? मोहल्ले के शरारती बच्चे होंगे, ज्यादा कुछ नहीं। इतनी रात को कोई पत्थर मार रहा है तुम्हारे घर में और तुम्हें लगता है कि वो मोहल्ले के शरारती बच्चे? हमें यूनियन ऑफिस गई थी कंप्लेन करने के लिए, ताला लगा हुआ था। कल चले जाएंगे यार। क्यों कल? अभी मैं चलता हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो चल के बात करते हैं यूनियन ऑफिस में। चले जाएंगे ना साथ, आज जाना जरूरी है क्या? क्यों? Stop it, मीरा, इतना ओवर एफिशिएंट बनने की जरूरत नहीं है। साथ कह रहे हैं ना, चली जाओ उनके साथ। चले? अरे भाई ले जाओ साथ को साथ। अच्छा उनको पता चले कि अकेली औरतें नहीं है, अकेली औरतों को लोग परेशान करते हैं, उनको भी पता चले कि मर्द है घर। चेंज करके आती मीरा, अब इसमें
सच पूछिए तो डर लगा रहता, इतना डर के बेवा बहू है, ये तीन बच्चे हैं, अजीब मोहल्ला है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अरुण को तुमने अपने सामने वालों से बात की, उनके उस रिश्तेदार के बारे में? जी कफी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कल इनके फ्लैट पे किसी ने पत्थर मारे हैं, शीशा तोड़ा है, चौकीदार कहाँ था उस वक्त आपका? आपकी तारीफ, मेरा ख्याल है कि आप इस फ्लैट के रिहायशी तो नहीं है। दुरुस्त फरमाया आपने, मैं यहाँ पे नहीं रहता हूँ, ये यहाँ पे रहती है, फ्लैट नंबर 15 ब्लॉक बी में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि इनके फ्लैट पे जो रात को पत्थर मारे गए हैं, उस वक्त चौकीदार कहाँ था आपका? देखिए, हम भी इसी बारे में बात करना चाह रहे हैं। इन्हें आए हुए अभी कुछ ही महीने हुए, इससे पहले हमारे फ्लैट में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है इनकी किसी से कोई जाती दुश्मनी हो या कोई और वजह। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है इनकी। एक काम कीजिए, आप अपने चौकीदार को बुलाइए ताकि आप जान सकें कि हरकत किसकी है। देखें, आप आ ही गए हैं तो बात साफ हो जाए। माफ कीजिएगा, इन खातून की काफी कंप्लेन है हमारे पास। कैसी कंप्लेन? सर चलते हैं, मैं कल आती हूं। मेरा एक मिनट, बात हो रही है तो पूछ लूं ना कैसी कंप्लेन आई है। जी बताइए, कैसी कंप्लेन आई है? देखिए, ये हम शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ आने जाने वाले शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, और जहां तक आप इनकी बात करते हैं, जो इनके घर रात गए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं और सुबह जाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हुए। इतनी घटिया बात करने से पहले आपने एक दफा भी नहीं सोचा कि एक बेवा औरत है? बेवा है, इसी बात का लिहाज कर रहे हैं, वरना सवाल तो बहुत उठते हैं इनके बेवा होने पर। इसको पता शोहर ने खुदकुशी बेरोजगारी की वजह से की थी या फिर अरे अगर इतनी हमदर्दी है तो लेकर जाओ सब। मुझे अभी तक एक बात समझ में नहीं आ रही, हसीब की खुदकुशी वाली बात बताने की जरूरत क्या थी यहां पे? खाला, मीरा, बस बहुत हो गया, सामान पैक करो, तुम लोग अभी और इसी वक्त मेरे साथ जा रहे हो। हम कहीं नहीं जा रहे। क्या क्या बात कर रही हो तुम, कहीं नहीं जाऊंगी, उठो चलो सामान बांधो। साथ मैंने कह दिया ना, हम कहीं नहीं जा रहे। क्यों नहीं जाओगी खाला, समझाएं आप इसे। अम्मी बोले अब भी और इसी वक्त चलोगी तुम मेरे साथ। मेरे बस बहुत हो गया, कर ली ना तुमने अपनी जिद, हो गया चलो प्लीज यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। मेरी क्या गलती है यार, मैंने क्या किया है? अगर ये सारी आजमाइशें मेरी किस्मत में लिख दी गई तो ठीक है, मैं सह लूंगी, और खुदकुशी मैंने तो नहीं की थी, हसीब ने की थी, तो उसकी सजा भी मुझे ही मिलेगी। ठीक है, बर्दाश्त करूंगी, यहां से नहीं जाऊंगी। मीरा बात, मीरा बेवा है, इसी बात का लिहाज कर रहे हैं, वरना सवाल तो बहुत उठते हैं कि बेवा होने पर। इसको पता शोहर ने खुदकुशी बेरोजगारी की वजह से की थी या फिर काश तुमने एक बार सोचा होता सीख,
कि तुम्हारे यूं जिंदगी से मुंह मोड़ लेने पर लोग क्या कहेंगे। काश तुम देख सकते कि आज तुम्हारी मीरब को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। ऐसा कहीं जहां में है दिल कोई जिसमें तू ही हो बसता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मीरब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ साथ, तुम कैसे हो? बच्चे कैसे हैं और किरण कैसी है? ठीक है सब। सुनो मीरब, प्लीज मेरी एक बात मान। जहाँ तुमने फ्लैट लिया है ये तुम्हारे और बच्चों के रहने के लायक जगह नहीं है। देखो, तुम्हें याद है किस तरह की बातें की हैं उन लोगों ने? साथ में उन सब बातों को भूलकर बहुत आगे बढ़ गई। बेहतर है कि तुम भी बढ़ जाओ। थमना ठहर जाना वक्त का मिजाज नहीं, और मुझे नहीं पता कि मेरी किस्मत में आगे और कितनी आजमाइशें लिखी। साथ मुझे बॉस बुला रहे हैं, मैं फ्री होते ही कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़। मेरे खुदा, घर चल, यहाँ क्या कर रहे? मामा प्लीज मुझे खेलने दे, मैं घर पे बहुत बोर होता हूँ। आप भी नहीं होती हैं। तानिया मुझसे बहुत फाइट करती है, और दादी मुझे हर वक्त डांट दे रहती हैं। राहिम घर चलो, मैं कह रही हूँ। आप शायद किसी और का गुस्सा इसको उतार रही हैं। तो बच्चा है, इसको क्या मानू? घर चलो राहिम। राहिम आगे देखो। मामा प्रेजेंट शॉपर्स में क्या है? केक है। वाओ केक, मेरा फेवरेट वाला ना। दानिया का केक है, उसे बताना नहीं, सरप्राइज देंगे कल उसे ब्रेकफास्ट पे। जैसे बाबा देते थे ना। हसीब ने दानिया और राहिम को जो प्यार दिया आसाइश है, वो मैं उन्हें कभी नहीं दे पाऊंगी। Happy birthday to you. Happy birthday, dear Dania. Happy birthday to you.
How about this? बर्थडे मेरी नहीं दानिया की है। और ये तुम्हारे लिए, इसलिए कि तुमने मुझे दानिया जैसी प्यारी बेटी दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम मुझे कुछ और मैं ना लाऊं? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच बाबा। यू आर द बेस्ट बाबा ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द बेस्ट डॉटर इन द वर्ल्ड। जो तू ना रहा जिंदगी अब और जीने का हौसला ना रहा। साया बन के छाया गम हो जाए वो कैसे जाए। मिसिंग बाबा सो मच। काश कि वो हमारे साथ होते। वापिस नहीं आते हैं। वो सच्चे दानिया के बाबा भी ज़ॉम्बी और उनके दाने से मिलने आते हो। ज़ॉम्बी। अरे बाबा को छोड़ो, मुझे तो खुद दानिया ज़ॉम्बी लगती है। नहीं थे मेरे बाबा ज़ॉम्बी, नहीं थे वो। वो दुनिया के सबसे बेस्ट बाबा थे। मेरे बाबा ज़ॉम्बी नहीं है। दानिया। नहीं है मेरे बाबा ज़ॉम्बी। दानिया, दानिया, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ये मेरे बाबा को ज़ॉम्बी कह रहे हैं। रिलैक्स। ये मेरे बाबू को ज़ॉम्बी कह रही है। ये कह रही है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स बेटा। क्यों रहे सब? मैडम आज फिर दानिया ने इन बच्चों से लड़ाई की है। आप सब जाइए यहाँ से। मैम, ये बच्चे दानिया को तंग कर रहे थे। They called her ज़ॉम्बी। साथ साथ, मेरे ख्याल में कि बच्ची की ज़हनी हालत कुछ ठीक नहीं है। आप इसे अपने साथ घर ले जाइए, हम इनकी मदर को इन्फॉर्म कर देंगे। बैग कहाँ है तुम्हारा? अरे क्यों मजाक बना रही हो दानिया और राहिम का? जज्बात में आके अगर कोई इंतहाई कदम उठा लिया उसने तो हाथ मलती रह जाओगी। स्कूल ने दानिया और राहिम का एडमिशन कैंसिल कर दिया। निकाल दिया है उन्हें स्कूल से। कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने वो कौन लड़के क्या हुआ क्या था? नहीं नहीं वो यहाँ के रहायशी भी नहीं है। मैं इत्तेफाक से घर जा रहा था तो मैंने सुना दी, लेकिन मैंने डांट दिया उनको। जिंदीप
मिस मीरा बहुत परेशान थी। मेरे खुदा बता दे कहाँ जाम दिखता नहीं कोई रास्ता। जी मीरा, आपने क्लाइंट्स के तमाम रिक्वायरमेंट नोट कर ली? जी सर। गुड। तो जी आज शाम हम एक मुकम्मल रिपोर्ट जो है आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक शायद करते हैं। ठीक है, एम आई राइट मीरा? आपके प्रोजेक्ट की तमाम कोऑर्डिनेशन मिस मीरा करेंगे। ओके एक्सक्यूज मी। आप क्या कह रही हैं? मैंने उसको सुबह खुद तैयार करके भेजा था, सुबह तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। देखिए मुझे हैरत है कि साथ साथ ने अभी तक आपको इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। खैर, मुझे दानिया के सिलसिले में आपसे फौरन मिलना है। वी नीड टू सॉल्व दिस इशू एज सून एज पॉसिबल। आप अभी इसी वक्त? देखिए मिसेस हसीब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप फौरन मेरे पास आइए। जी ओके। मीरा साथ मुझे स्कूल से कॉल आई थी प्रिंसिपल की। दानिया इज नॉट वेल, आई हैव नो आईडिया कि मैं क्या करूं। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने खुद तैयार किया था, नाश्ता करवाया था, शी वाज ऑल फाइन। यार एक्चुअली शी इज नॉट वेल। राहिम ने बताया मुझे असल मसला क्या हुआ है। शी वाज एक्सपेक्टिंग के हसीब आएगा उसको लेने के लिए। बच्चों को भी ये कह रही थी, नहीं आया, बच्चे मजाक उड़ाना शुरू हो गए। और तुम एक काम करो, तुम आ जाओ घर, बेहतर ही है। मैं अभी तो घर नहीं आ सकती, मुझे प्रिंसिपल ने बुलाया है स्कूल और वो कह रही थी कि काफी अर्जेंट है, वो मुझसे आज ही मिलेंगी। तो मैं पहले स्कूल जाऊंगी। प्लीज तुम दानिया का ख्याल रख लेना, मैं जैसे ही स्कूल से फारिग होंगी तो आई विल कम स्ट्रेट टू यू। ये भी कोई कहने की बात है यार, इस बात पे तुम परेशान मत हो। पर देखो अगर कोई मसला ज्यादा होता है डू लेट मी नो, तो मैं फिर स्कूल आ जाऊंगा, मैं साथ हूं तुम्हारे। ओके परेशान कैसे ना हो साहब, बस तुम दानिया का ख्याल रखना प्लीज। थैंक यू। ओके बस। लोगों की यासम अपनों की मेरी जिंदगी चाह के भी मेरी ना रही। I'm sorry, Mrs. हसीब कि आपको इतने शॉर्ट नोटिस पे मैंने मीटिंग के लिए बुलाया। आपको अंदाजा तो होगा कि इशू क्या है। Yes, ma'am, I have idea. Actually, दानिया, देखिए हमने बड़ी कोशिश की कि दानिया और राइम एक नॉर्मल जिंदगी गुजारे, और इस सिलसिले में हम लोगों ने उनकी बहुत मदद भी की है। राइम तो काफी नॉर्मल है, मगर दानिया भी अब आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो रही है। आज जो कुछ हुआ उसे जानने के बाद आप ये बात कह रही हैं। I understand why you're saying this, ma'am. Actually, issue is कि हसीब के बाद दानिया की आज पहली बर्थडे है। शायद उसी वजह से वो इतनी सेंसिटिव हो गई है और
उसको लगता है कि हसीब यही हमारे सामने है। देखिए वजह कोई भी हो, दानिया का बिहेवियर बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इट्स अ मैटर ऑफ आवर स्कूल रेपुटेशन। जी मुझे अंदाजा है कि बच्चों की फीस काफी टाइम से ड्यू है, लेकिन मुझे अभी रिसेंटली जॉब मिली है और मुझे फाइनेंसेस मैनेज करने के लिए बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए। बट आई मेक श्योर कि जो भी फीसेस हैं, जो भी ड्यूज हैं, वो सब पूरे हो जाएं। आई एम सॉरी, मैं आपको मजीद वक्त नहीं दे सकती क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट ने आपके बच्चों के एडमिशन कैंसिल कर दी है। व्हाट, आप क्या कह रही हैं? अच्छा चलो ना, चलो एक एक करके भाई। इस तरह होता है, मामा आऊंगी। तुम खेलो, मैं देखता हूँ। और प्लीज लड़ना नहीं तुम दोनों। शाम शाम ये लो भाई। आफरीन है भाई, इतनी बातें होने के बाद भी ये बंदा यही टिका हुआ है, जरूर कोई गड़बड़ है। बस करे अम्मी, क्या हो गया है? चलें, वैसे मेरा ब्याह से जान जा रही है, चलें घर चलो। चल हाँ हाँ चलो। लो भाई चलो, अभी छोड़ दो 5 मिनट गेम को, ये पिज्जा खाते हैं। दानी को तो बुला ले, सो रही है ना, उठेगी तो बाद में खा लेगी। फिर मैं नहीं खाऊंगा, मैं बस दानी और मम्मा के साथ ही खाऊंगा। रामीन फिर तुम खा लो यार। मैं भी दानिया के साथ खाऊंगी। क्या बात है, अभी लड़ाई हो रही थी और अभी सुलह भी हो गई। वेरी गुड, चलो मैं अभी फिर बाद में ही खाऊंगा, खेलो तुम लोग। हाँ किरण। हाँ जी साद, मीरब का क्या हाल है और दानिया कैसी है? यार मीरब आई नहीं है अभी तक, टेंशन हो रही है, ऊपर से उसका फोन भी बंद है। तो आपने स्कूल फोन करना था ना? अच्छा रुके, एडमिन में मेरी दोस्त है एक, प्रिंसिपल की सेक्रेटरी जेसिका, लेट मी कॉल हर। हाँ ठीक है, प्लीज मालूम कर लो। अच्छा प्लीज परेशान ना होए, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मैं भी बताती हूँ आपको। कोई आया है, अल्लाह करे मीरा भी हो। मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। ओके 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 बाय। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा आप कहाँ थी? दानिया बहुत डर रही थी, बार बार बाबा को पुकार रही थी और वो कह रही थी कि बाबा आज हमें स्कूल से भी लेने आए थे, लेकिन बाबा तो चले गए ना मामा, है ना? पहले दानिया रो रही थी और अब मामा रो रही है। इधर आओ मेरे साथ। आमी चलो तुम दोनों अंदर, शोर नहीं करना, दानिया सो रही है। क्या हुआ मीरा, क्यों रो रही हो इस तरह से? क्या कहा स्कूल वालों ने, प्लीज मुझे बताओ। देखो दानिया ठीक हो जाएगी वक्त के साथ साथ, एवरीथिंग विल बी फाइन। कुछ ठीक नहीं होगा, इनफैक्ट कभी भी कुछ ठीक नहीं होगा। हसीब के साथ साथ हमारी खुशियां, हमारा सुकून सब चले गए हैं। मैं जितनी कोशिश करती हूँ कि मैं अपने गमों को भुला दूं और जिंदगी के साथ मुस्कुराना शुरू कर दूं, ये आंसू हैं कि मुझे थामे रखें, मेरा पीछा छोड़ ही नहीं रहे। तुम्हारे दर्द और तकलीफ का अंदाजा है मुझे, लेकिन मीरा तुम्हें ही हिम्मत से काम लेना है, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो क्या होगा? दानिया पहले ही बहुत अपसेट है, उसको कौन संभालेगा? और तुम? मैं क्या करूं साहब,
किस तरह समझाऊं दानिया को? वो बच्ची है, छोटी है, और हसीब से वो बहुत अटैच थी, लाडली थी वो हसीब की। उसके लिए सब कुछ भूल के आगे बढ़ जाना आसान नहीं है। देखो मीरब, अकलमंद वो इंसान होता है जो अपने हालात की मुनासबत से चलता है और अपनी चादर के मुताबिक पांव फैलाता है। तुम्हारी बेजा ख्वाहिशों ने, जिद और हठधर्मी की वजह से मेरा बेटा चला गया, लेकिन आज उसके बच्चों को तो बख्श दो, या उनसे भी पीछा छुड़ा के आजाद होना चाहती हो? क्या कह रही हैं खाला आप? पहले वो बिचारी जो है, ये बिचारी है, ये कोई बिचारी बिचारी नहीं है। और साथ तुम क्यों हर वक्त इसकी वकालत करते फिरते हो? क्यों? बहुत अच्छी तरह मैं जानती हूँ उसे, मैंने अपने बेटे को जाते हुए देखा है। इसकी वजह से इसने ना उस वक्त जिद छोड़ी थी और ना ही आप। ये नौकरी करती है ताकि मेरे बेटे को बुजदिल साबित कर सके और दुनिया को बता सके कि जो हसीब ना कर सका वो ये कर रही है। हाला, लोग बस बकवास करना चाहते हैं, कहने दें जो कुछ वो कहते हैं, लेकिन आपको इसका साथ देना चाहिए, इसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, ना कि उल्टा आप हिम्मत इसको... बढ़ाऊं? क्या हिम्मत बढ़ाऊं इसकी? इसको तो मेरी बात समझ में ही नहीं आती है। मैं पूछती हूं क्या हासिल हो रहा है इसको बच्चों को इतने महंगे स्कूल में डाल के? दानिया रोज लड़ के आ जाती है स्कूल से, फीसें इसे भरी नहीं जाती है। मैं तो कहती हूँ निकालो उसको इस स्कूल से, मुरझा गई है मेरी बच्ची। अरे क्यों मजाक बना रही हो दानिया और राहिम का? जज्बात में आके अगर कोई इंतहाई कदम उठा लिया उसने तो हाथ मलती रह जाओगी। स्कूल ने दानिया और राहिम का एडमिशन कैंसिल कर दिया। निकाल दिया है उन्हें स्कूल से। नहीं यार, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ। उनके हिसाब से दानिया एक ज़हनी मरीज है, उनके बहुत बड़े आलीशान स्कूल के लिए एक शर्म का बाइस। इसी पर मैंने क्या कुछ नहीं सोचा था अपने बच्चों के लिए। हसीब आप क्यों चले गए? अपनी मीरा को क्यों इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए? वो सब कुछ कैसे संभालेगी? कैसे? मैं तो कहती हूँ बड़ा अच्छा हुआ, रोज का ये बाल टाइम का स्कूल। दिलों में बसी अपनों के साजिश Thank you.
सलाम साहब भाई। हां भाई सलाम। सलाम क्या हुआ? पता नहीं यार टायर फ्लैट हुआ हुआ। ओहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप कैसे करेंगे? आपके कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं करवा दूंगा। नहीं नहीं इट्स ओके मैं कर लूंगा। अरे साहब क्या बात कर रहे हैं, जब तक मैं हूं आप कैसे करेंगे? आप ऐसे करें साए में खड़े हो जाएं, मैं भी करवा दूं। इट्स ओके मैं कर लूंगा। स्टार्ट वन टाइम उस दिन भी जो हुआ वो गलत हुआ। श्योर उसके बाद उनमें से किसी की हरकत होगी। ये उन्हीं लड़कों में से किसी ने किया? नहीं वो हैदर, हैदर इधर आओ। ये सादे की गाड़ी का टायर चेंज कर। आप आए ना साइमन? ये हैं कौन लड़के पहले मुझे ये बताओ, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं? जानते नहीं है ये लोग मुझे अभी? जी जी वो जानते नहीं है तभी तो ऐसी बातें कर रहे हैं। उस दिन भी आपने हाथापाई करके मामला और बिगाड़ दिया। सादे मैं इस मीरब की बहुत इज्जत करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले कुछ लड़कों ने वो कौन लड़के क्या हुआ क्या था? नहीं नहीं वो यहाँ के रहायशी भी नहीं है। मैं इत्तेफाक से घर जा रहा था तो मैंने सुना दी, लेकिन मैंने डांट दिया उनको। जिंदगी मिस मीरा बहुत परेशान थी ना, कुछ हो गया और मीरा ने बताया भी नहीं मुझे। कुछ कहा आपने साथ में? नहीं कुछ नहीं साथ में। एक्चुअली मुझे मिस मीरा की बहुत फिक्र लगी रहती और पड़ोसी है ना हमारी तो फर्ज बनता है, और अब आप भी रिलेटिव हैं आपके लिए करना भी फर्ज बनता है। सादिक एक्चुअली आप यहाँ पर मत आया करें। क्या मतलब नहीं आया करूँ? नहीं मेरा मतलब ये है कि अब आपको पता ना यहाँ की सोच कितनी घटिया है। अब क्यों किसी को सोचने पर मजबूर करें? कोई क्या सोचे क्या कहे, इससे बेहतर है आप अपनी वाइफ के साथ आ जाए करें ताकि इन लोगों का मुंह बंद हो जाए, फिर ये कुछ नहीं बोलेंगे। उस दिन भी क्या क्या सुनना पड़ा मिस मीरा को। टायर हो गया टायर सादी। थैंक यू। आप यहाँ पर मत आया। क्या मतलब नहीं आया करो? नहीं मेरा मतलब ये है कि अब आपको पता ना यहाँ की सोच कितनी घटिया है। क्यों किसी को सोचने पर मजबूर करें? कोई क्या सोचे क्या कहे, इससे बेहतर है आप अपनी वाइफ के साथ आ जाए। वो देखेगा इनका मुंह बंद हो जाएगा। जिंदगी क्या क्या सुनना पड़ा मिस मीरा को। माफ कीजिएगा इन खातून की काफी कंप्लेने हैं हमारे पास। देखें ये हम शरीफों का मौला है, यहाँ आने जाने वाले शरीफ और इज्जतदार हैं। और जहां तक आप इनकी बात कर रहे हैं, जो इनके घर रात गए बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आते हैं और सुबह जाते हैं। इसको पता शोहर ने खुदकुशी बेरोजगारी की वजह से की थी या फिर आप तीन है भाई, इतनी बातें होने के बाद भी ये बंदा यहीं टिका हुआ है। मेरे खुदा बता दे